नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्तियों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। ये समिति सभी भर्तियों के हर पहलू को परखने के बाद आयोग को रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर ही इन भर्तियों का भविष्य तय होगा। दरअसल पेपर लीक विवादों से घिरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियां गले की फांस बनी हुई हैं। इनमें से 4 भर्तियों तो ऐसी हैं जिनकी चयन सिफारिश आगे भेजी जानी है। वहीं आयोग के नए अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया की अगुवाई में मंगलवार को आयोग की बोर्ड बैठक हुई। इसमें 8 भर्तियों पर गंभीरता से विचार किया गया। तय किया गया कि ऐसी सभी भर्तियां जिनमें विभागों को चयन की सिफारिश भेजी जानी है उनमें कई विधिक या प्रशासनिक अड़चने आ सकती हैं। लिहाजा आयोग ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एक विधि विशेषज्ञ और एक आईटी विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। सदस्यों का चयन आयोग के अध्यक्ष करेंगे। ये समिति जल्द अपनी रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर परीक्षाएं रद्द करने या उन्हें आगे बढ़ाने पर आयोग निर्णय लेगा। बैठक में आयोग के सदस्य विनोद चंद्र रावत, डॉक्टर प्रकाश चंद थपलियाल और सचिव एसएस रावत मौजूद रहे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किन भर्तियों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति। इस लिस्ट में पहला नंबर आता है एलटी भर्ती के 1431 पद का, उत्तराखंड व्यक्तित्व सहायक के 600 पद का, कनिष्ठ सहायक के 700 पद, पुलिस रैंकर्स भर्ती के 250 पद, वाहन चालक भर्ती के 164 पद, कर्मशाला अनुदेशक के 157 पद, मत्स्य निरीक्षक भर्ती के 26 पद और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती के 272 पद शामिल हैं। कैबिनेट से 4 भर्तियों के रद्द होने की आधिकारिक जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए 8 भर्तियों की जांच ये विशेषज्ञ समिति करेगी और जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर आयोग फैसला लेगा। तो फिलहाल हमारी इस खास खबर में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।